और ये सच्ची घटना है, ध्यान से सुनना माता हूं। उन्हीं महाराज रेवतक की एक बिटिया थी जिसका नाम था रेवती, और ये रेवती माताओं सतयुग में पैदा भई। ये वास्तविक प्रमाण अगर कहीं ढूंढना है तो देवी भागवत में जाके आप लोग ढूंढ सकते हैं। जो कुछ छुपी हुई बातें जो इस पुराण में नहीं है वो सारा निचोड़ आपको देवी भागवत में मिल जाएगा। अब देखो, ये जो रेवती थी माताओं, ये सतयुग में पैदा हुई और आ गया द्वापर युग, लेकिन इनका विवाह नहीं हुआ। तो ऐसा विद्वान बताते हैं कि इनकी लंबाई हो गई 21 हाथ की। कितने हाथ की? 21 हाथ, 21 21 हाथ की लंबाई हो गई। अब हमें तो ये नहीं समझ में आता भगवान चलत कैसे हुई है। दूसरी बात, इसके कपड़े कौन सीता होगा, किलोमीटर में तो कपड़ा लग जाता है। हाँ, 21 हाथ की लंबाई हो गई। और जहां कहीं महाराज रेवतक रिश्ते की बात चलाते तो लड़का तो पहले कह देता हाँ हम शादी करेंगे, और जो जयमाला को टाइम आए और जो लड़का बहु देखे तो धोती होती समेट के भाठाड़ो बोले इससे कौन शादी करेगा। हाँ, इसको खाना ना पहुंचाना हुआ तो हमें लगता नसेनी लगानी पड़ेगी। हाँ, इसलिए कोई भी उस लड़की से शादी करने को तैयार नहीं हुआ। और जब भैया कोई नहीं हुआ तो महाराज रेवतक जो थे वो ब्रह्मा जी के मित्र थे, उनके यहां बैठा उठा करते थे। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से बताया कि देखो, एक भगवान कन्हैया के भैया हैं बलराम, उनके यहां तुम लगुन टीका पहुंचा दो। अब वो इस समय घर पे भी नहीं है, और कन्हैया उस लगुन टीका को ले लेंगे और तुम्हारी बिटिया की शादी पक्की हो जाएगी, मत परेशान हो। रेवतक बोले कहीं वही ना हो लड़का देखे और फिर मना कर दे। बोले तुम परेशान ना हो, हमें यकीन है। अब देखो, नाई और पंडित के द्वारा माताओं द्वारिका में लगुन और टीका भिजवा दिया गया। हाँ, और जैसे ही लगुन टीका भगवान को मिला तो भगवान ने स्वीकार कर लिया। कुछ दिन के बाद बलराम जी लौट के आए तो भगवान बोले भैया हमने तुम्हारी शादी तय कर दी। तो देखो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, अब बिना लड़का को बताए बिना लड़की को बताए तुम शादी तय कर दो, और फिर उसको मालूम पड़े कितना दुख होगा। बलराम जी बोले कम से कम लड़की की तस्वीर ही हमें दिखा दो, ऐसो ना हो अंधरी बहरी फंस जाए जो हमें 10 भाषाओं में बात करनी पड़े। हाँ, भगवान बोले परेशान ना हो, बिटिया बहुत अच्छी है, समझे। चलो, अब समय आ गया शादी का। तो बलराम जी बारात लेके भगवान कन्हैया अरुणक नगरी में आए, लेकिन बलराम जी को चैन न पड़े। पूरी बारात में बढ़िया सोफा डरे बलराम जी बैठे, और बस नजर उनकी दाएं बाएं कहूं मोड़ी दिखाई पड़ जाए हम देख लें। और ऐसा आज भी होता है, देखा होगा कहीं शादी बारात हो और दूल्हा आए तो वो अक्सर दाएं बाएं नजर फैलाता रहता है कि कहीं सहेलियों के साथ में हमारी दिख जाए हम भी देख लेंगे। तो बलराम जी ऐसी नजर दौड़ाए तो अचानक से क्या हुआ, सारे कामकाज निवृत्त हो गए। तो पंडित जी बोले कन्या को बुलाया जाए। और जैसे ही पंडित जी ने कही कन्या को बुलाया जाए, सो बलराम जी कालर आलर समारन लगे, हाँ भाई बहू आ रही है। हाँ, सामने से देखा बलराम जी ने, एक भैया टेंट को खंभा जैसो चलो आ रहा हो, और अगल बगल में दुई मोड़ी लय जय माला बिल्कुल स्कूटी जैसी लगा। हाँ, जैसे नहीं वो लोडर के सामने छोटी सी वो बिक्की खड़ी कर दी जाती ऐसी दोनों लगे। और चली या मैं, बलराम जी ने पायन ते शुरू करो, देखा जाए बद दिखा ले गिरे बेड के। हाँ, बोले हे भगवान जाके तो था है ना ही है, जाको तो था ना कहा। हाँ, अब बलराम जी यही देखें, और इनकी तो छोड़ो, भगवान कन्हैया की जैसे ही नजर पड़ी भगवान बोले दा तेरे की। अब क्या सोचने लगे भगवान, हर कैसे गुजर होए भैया की,
इतनी लंबी सुकुमारी से जा प्यारी भवज हमारी से सुकुमारी से जा प्यारी भवज हमारी से और भगवान बोले मेरो भैया लागे पारो है। भगवान बोले हमारे भैया तो भाभी की कमर तक नहीं पहुंच रहे, कैसे काम चलेगा? भाभी तो बहुत लंबी चौड़ी बलराम जी। अब तुम दुनिया की बात है छोड़ो भैया, दुल्हा की सोचो, दूल्हा किस दिल पे क्या गुजर रही होगी उनकी सोचो। बलराम जी बिल्कुल बेहोश डरे दांती आती बंद। नारद जी के पानी छड़क के जगाओ, लल्ला बउआ हो छौना हो क्या हुआ? बलराम जी बोले चुप रहो, मेरे साथ में तुम लोगों ने धोखा किया, अब बताओ ये लड़की है? ऐसी लड़कियां होती हैं? अब एक दो नशे नहीं लगाओ तब हम जयमाला डाल रहे हैं। हाँ मेरो भैया लागे मारो है। और राजा ने कहा बिचारो है, अरे इतने दिन तक रही पाप घर लंबी भई सुकुमारी से जा प्यारी भवज हमारी से। भगवान बोले जयमाला।